नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का DSP कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम UCMS दिल्ली यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट का मॉडल प्रैक्टिस पेपर तीसरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस के 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा सेट है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए, वो PDF को डाउनलोड कीजिए और दोनों सेट के क्वेश्चन से याद कीजिए, क्योंकि जितने भी सेट आपको कंप्लीट करवाएंगे तो उन सभी को आप याद ज़रूर करते जाएं, क्योंकि देखिएगा सभी सेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके UCMS जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से गारंटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको कंप्लीट करवाएं। तो आप सभी क्वेश्चंस PDF डाउनलोड करके एक बार रिवीजन अच्छे से कर लिया करो, ताकि भूल हो ना। और इसका भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और देखिएगा, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारी ईबुक को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी सहायता से आप इसका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों इजीली क्रैक कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इस ईबुक के ज़रिए आप दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिएगा, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए है ये, पेपर फर्स्ट के लिए 15 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपको सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी, रीजनिंग 50 की आएगी, मैथ 50 की और इंग्लिश हिंदी भी आपकी 50 की आएगी, तो इस ई बुक से आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें 15 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश और साथ में कंप्यूटर भी है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। तो इस ईबुक के ज़रिए आप पेपर फर्स्ट के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, और इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, जिसमें देखिएगा रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर देखिएगा मैथमेटिक्स मिल जाएगी आपको, सभी देखिएगा टॉपिक वाइज इसमें दिए हुए हैं। यहाँ देखिएगा जनरल अवेयरनेस का है, जनरल इंग्लिश, देखिएगा जनरल हिंदी और कंप्यूटर, और इसके बाद देखिएगा आपको आंसर के साथ पूरा व्याख्या सहित मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा इसमें, इससे आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो UCMS जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं इसका दूसरा पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर की। देखिएगा, यहाँ से आप ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे के 30+ टॉपिक मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और यदि आपने ये 30 टॉपिक कवर कर लिए तो इनसे बाहर एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा आपका। और 30 टॉपिक आपको यहाँ पर लेटर के मिल जाएंगे, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, UCMS में पूछे जा सकते हैं, इनसे बाहर एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, कुछ टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आप सभी को, देखिएगा यहाँ पर जो ये 10 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, इनके ऊपर देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है 9 टॉपिक टोटल, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में आएगा एक टॉपिक, देख लेना आप सभी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न मैनेजमेंट, देखिएगा इस प्रकार से आपको ऐसे तैयार करना है हेडिंग वाइज। और ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, और देखिएगा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए भी 30 टॉपिक दिए हुए हैं,
और इन 30 टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। एक दो टॉपिक इन्हीं से आएंगे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए, इन्हीं टॉपिक में से मिल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करना है, डेली एक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप एक महीने में सभी टॉपिक कवर कर लोगे। देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल जाएंगे आपको ये, और कुछ देखिएगा प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि सब कुछ इसी ई बुक में इंक्लूड है। और यहाँ पर आप लेटर के लिए देख सकते हैं, कंप्लेन लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लेटर्स टू द एडिटर, देखिएगा इस प्रकार से आपके लेटर तैयार किए गए हैं इस ई बुक में। इस ई बुक के जरिए आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ईजिली क्रैक कर सकते हो। देखिएगा ये लेटर भी आपको यहाँ पर इंग्लिश में मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। एक डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, बाघ। देखते हैं अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में, यानी कि 1930 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, याद रखेंगे सभी, विटामिन ए की कमी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला,
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो बैक वरेल ने की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं अगला, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, कौन सा शहर सात पहाड़ियों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर सात पहाड़ियों का शहर कहलाता है? तो रोम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा 21, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला, किस देश ने पहली बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी? तो यूनान ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। देखते हैं 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा था? भारत में सबसे पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा था? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ताज उल मस्जिद, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कीजिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस पेपर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे आप सभी प्रैक्टिस करते जाएँ, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे 100%, क्योंकि आप सभी को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो UCMS जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कल से देखिएगा आपको करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के भी प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि देखिएगा इस एग्ज़ाम में आप सभी को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, यानी 2 से 2.5 महीने के अंतर्गत इसका जो एग्ज़ाम है 2 से 2.5 महीने के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप सभी को लापरवाही नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की प्रिपरेशन सीरियस होकर करेगा वो गारंटेड इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारी किताब को डाउनलोड कर सकते हो, ईबुक को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और डाउनलोड करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें 7354152348 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।